हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी का कृथा ऋषि राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणाय परम आराध विष्णु पाद सवाठ श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकोती ठाकुर की जय। उत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छल गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशन कर श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री सिंह भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री सिंह भक्ति कुमसंत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री सिंह भक्ति सरण त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौर जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री सिंह भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद इंद्रपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन गौर वंदे वंदेहां श्री गुरु श्रीयुत पद कमलां श्री गुरु न वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांस। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 हे बाराम दया करो जय गुरुदेव हे बाराम दया करो जय गुरुदेव अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव परम करुणामयी जय गुरुदेव परम कृपालु जय गुरुदेव परम करुणामयी जय गुरुदेव परम कृपालु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सेवा अधिकार दो जय गुरुदेव सेवा अधिकार दो जय गुरुदेव इन में रुचि दो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अति पावन जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अति पावन जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गुरु भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंद हे
बारा में करुणा कर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, अपराध क्षमा करो वैष्णव ठाकुर, अपराध क्षमा करो वैष्णव ठाकुर, परम कृपालो वैष्णव ठाकुर, परम दयालो वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। श्री कृष्ण श्री जय राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं, यति कृपातवहं वन्दे श्रीगुरोन दीनतारिणं, वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, गुरुपाद पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तम नित्यला परिष्ठ विष्णु पाद सवाट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्य पा शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर भी प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्त बिन मातृ बिन पितृ बिन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। हम लोगों की चर्चा चल रही है जीव का वास्तविक नित्य धर्म क्या है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जीव माया में फंसने के कारण अपनी वास्तविक जो स्वरूप है उसको भूल जाने के कारण ही आज इतनी दुर्दशा, इतनी क्लेश, इतनी मुसीबत झेलना पड़ रहा है। इसलिए अपनी दुर्दशा अगर दूर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अपने नित्य वास्तविक स्वरूप धर्म में अपने अवस्थित होना पड़ेगा। जब तक हम अपने नित्य स्वरूप में अवस्थित नहीं होंगे तब तक हमें संसार की जो क्लेश है, संसार की जो दुख है, क्योंकि कारागार में दुख मिलता ही मिलता है, जो जेल में बंद है
उनसे जाके पूछे कितने कष्ट होते हैं वहां पर। तो संसार के जो कारागार हैं, जेल हैं, वहां पर जब ऐसे दुख मिलते हैं तो भगवान की जो कारागार है, जो जेलें हैं, क्या उसमें क्या दुख नहीं मिलेगा? उसमें भी दुख मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें जो दुख से हमारी निवृत्ति हो सके, उसके लिए हमें इस कारागार से किस प्रकार से निकलना चाहिए। इसलिए शुद्ध वैष्णव के अनुगत में जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हमारी जो दुर्दशा है वह खत्म नहीं होती, क्योंकि अपने स्वरूप में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने जो जीव का नित्य वास्तविक धर्म है उसमें अपने जाना पड़ेगा, और वास्तविक धर्म में रह करके संसार में भजन करते हुए जो संसारी लोग हैं उन लोगों को, उन लोगों के साथ किस प्रकार से हमें व्यवहार करनी है ये भी जानना पड़ेगा और ये भी सीखना पड़ेगा। जब तक वो व्यवहार उन लोगों से नहीं सीखेंगे, तब तक संसारी जो व्यक्ति हैं उन लोगों के साथ हम व्यवहार करने में हिचकिचाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स होंगी और भजन करने में बाधा होगी। इसलिए हमें जो वास्तविक स्वरूप है उसमें रह करके, और संसारी के लोग हैं जिस जो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कदिया कदिया जनाबे दुख ग्राम, छलंग शरणागति हैबे जहार तहार प्रार्थना सुन श्री नंद कुमार। जिसकी शरणागति है वह किस प्रकार से शिक्षा लेगा उसके विषय में बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि रूप सनातन पद दंत तीर्ण धरी भगति विनोद पड़ी दुई पद धरी। कदिया कदिया बोले आमी तो अधम, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि कदिया कदिया बोले आमी तो अधम, लेकिन हम अपने आप को अधम समझते हैं क्या? हम तो अपने आप को अधम समझते ही नहीं है, तो कन्ना या रोना आएगा कहां से वैष्णव के पास? इससे बोलते हैं कदिया कदिया बोले आमी तो अधम, सिखाए शरणागति करे है उत्तम। एकमात्र वैष्णव ही, जो शुद्ध वैष्णव है, वही हमें शरणागति के विषय में शिक्षा दे सकते हैं और वही हमें भजन मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया था सब चीज के विषय में। तो आज मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट पठा रहे हैं मेरे पास, ठीक है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं आप लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकूं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध कि पेज को फॉलो करें, और पेज पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा ही, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट पठा के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम है मेरे लिए भी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और YouTube भी है आप लोगों के लिए, YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिस नाम से पेज है उसी नाम से YouTube भी है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों को बोलें। और मुख्य बात यह है कि जो चर्चाएं हम लोग सुन रहे हैं उसको पूरा सुनने की कोशिश करें, कि जब तक पूरा हम नहीं सुनेंगे तब तक जो तत्व है वह तत्व हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए तत्व को जानना बहुत जरूरी है।
इसलिए पूरा सुने। तो हम लोगों ने कल श्रवण किया था, जो मध्यमाधिकारी जो शुद्ध भक्तेर यही चार प्रकार व्यवहार नितांत प्रयोजन। जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं उनका चार प्रकार से व्यवहार करना बहुत जरूरी है, जो आगे हम लोगों ने श्रवण कर चुके हैं। यहाँ तक कार्पण्य कर ले अनधिकारी चर्चा दोष है। इसमें अगर चार प्रकार के जो लक्षण है मध्यमाधिकारी भक्तों के, वह चार प्रकार के जो अगर लक्षण नहीं है, अगर उसमें हम कृपणता करते हैं, कृपणता करते हैं, अगर हम शिक्षा नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो अनधिकारी है उसमें दोष लगता है, चर्चा में दोष लगता है। अधिकार चेष्टा राहित्य है, और अधिकार चेष्टा को छोड़ करके होता है, अतः बृहद दोष हैया पड़े। इसलिए थोड़े थोड़े अनधिकार चेष्टा चर्चा करने से वो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा दोष पैदा हो जाता है। इसलिए जो मध्यमा अधिकारी जो भक्त हैं उनको ये चार प्रकार के लक्षण जो बताया गया है पूर्व में, उसको पूरा रूप से करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो उनको ये दोष लगता ही लगता है, और थोड़ा थोड़ा दोष लगते 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 बड़ा दोष बन जाता है, इसलिए बड़ा अपराध हो जाता है, चाहे मध्यमा भक्त हो चाहे छोटा भक्त हो। बताते हैं, स्व स्व अधिकारे जा निष्ठा स गुणः प्रकृतितः विपर्य तु दोष साधुप उभयोरेश निर्भया। बताते हैं, निज निज अधिकारे जे चेष्टा तहाई गुण बलिया निर्णित हया छे। अपने अपने अधिकार के अनुसार जिनका जो गुण है वही उनका वर्णन किया गया है। जो कनिष्ठ भक्त हैं उनका जो अधिकार है वह करना चाहिए, जो मध्यम भक्त हैं उनका जो अधिकार है वह करना चाहिए। अगर कनिष्ठ भक्त मध्यम अधिकारी का जो अगर काम करने जाएगा तो दोस्तों वहां पर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। और मध्यम अधिकारी जो दो जो चार प्रकार के लक्षण बताया गया है, अगर ये चार प्रकार के लक्षण वह कनिष्ठ भक्तों के साथ जो संसारी व्यक्ति हैं, विषयी व्यक्ति हैं, उनके साथ जो विद्वेषी व्यक्ति हैं उनके साथ अगर व्यवहार नहीं करते तो उनको दोष लगता है। आगे बताते हैं, यार विपर्जय हैले दोष है। अगर अपने गुण के अनुसार अधिकार के अनुसार कर्म करने से, इसमें अगर इस कर्म के अनुसार गुण के अनुसार कर्म नहीं करते हैं तो उसमें जो है विपरीत दोष लगता है। यह गुण और दोष स्वरूप निर्णय, यही गुण और दोष का जो है स्वरूप निर्णय किया गया है। मध्यमा अधिकारी शुद्ध भक्तिर कर्तव्य यही जी शास्त्र युक्ति द्वारा ईश्वरीय प्रेम। मध्यमा अधिकारी जो लोग शुद्ध भक्त हैं उनका कर्तव्य है कि शास्त्र युक्ति के द्वारा, शास्त्र जो सद शास्त्र हैं उस युक्ति के द्वारा ईश्वर यानी भगवान से प्रेम करना। दूसरा, शुद्ध भक्तिर मैत्री, जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ मैत्री करना, मतलब मित्रता करना, मित्रता के साथ रहना। बालिश कृपा व विद्वेषी व्यक्ति ते उपेक्षा करिबेन। जो बालिश हैं यानी कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो विषयी हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो दृढ़ जो कुछ जानते नहीं हैं उनके प्रति कृपा करना। और जो भगवत विद्वेषी, जो भगवान के विद्वेषी व्यक्ति हैं
उनके प्रति उपेक्षा करना, यह चार मध्यम अधिकारी के लक्षण हैं। यह अगर नहीं करते हैं तो उनको कर्तव्य दोष का दोष, कर्तव्य पालन का दोष लगता है। बालिसेर अच्छा भक्ति तारतम्य अनुसारे मैत्रीर तारतम्य उपयुक्त, भक्ति के तारतम्य के अनुसार मित्रता भी, मित्रता का भी तारतम्य उसी प्रकार उपयुक्त तो होता है। बालिसेर दृढ़तार अखस सरलतार परिणाम अनुसारे कृपा तारतम्य उपयुक्त। जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो विषयी हैं, मूर्ख हैं, उनके दृढ़ता और सरलता के अनुसार ही, दृढ़ता और सरलता के परिणाम के अनुसार ही उनके ऊपर कृपा करना। विद्वेषी व्यक्ति विद्वेष द्वेषेर तारतम्य अनुसारे तारपति उपेक्षार तारतम्य उपयुक्त। जो भगवत विद्वेषी, जो साधुओं के विद्वेषी हैं, जो वैष्णव विद्वेषी हैं, उनके प्रति किस प्रकार से उनका व्यवहार होना चाहिए इसके विषय में बता रहे हैं। उनके तारतम्य के अनुसार वो जिस प्रकार से विद्वेष करते हैं उसी प्रकार उनके साथ उपेक्षा करना, तारतम्य करना है। यही सरल विवेचना पूर्वक मध्यम भक्त सरल परमार्थिक व्यवहार करिबेन। इस प्रकार से सरल भाव से विचार करके जो मध्यम भक्त हैं वो लोग क्या करेंगे, परमार्थिक, अपने परमार्थिक के विषय में व्यवहार करेंगे उनके साथ। एहिक व्यवहार एवं व्यवहार अधीने सरल रूपे कृत है वह, यह इस प्रकार से व्यवहार और व्यवहार के अधीन जो सरल रूप से कर्म है वही करना पड़ेगा। बड़गाछी निवासी नित्यानंद दास यही अस्त्र जिज्ञासा कर लेन। बड़गाछी के जो निवासी जो प्रश्न किए थे नित्यानंद दास यहाँ पर उनसे प्रश्न करते हैं। उत्तम भक्त दिगिर व्यवहार की रूप, जो उत्तम भक्त हैं, जो उत्तम भक्त हैं उनका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए इसके विषय में हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं। बाबा जखन आमाके प्रश्न करिएछो आमार सकल कथा शेष हाइते दो। बोलने जब आपने मेरे साथ मुझे प्रश्न किए हो, वाले प्रश्न कर चुके हो, तो मेरे आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे पूरा रूप से देने दो, उसके बाद प्रश्न करना। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब एक प्रश्न इंसान करता है तो उस प्रश्न का जब तक वो उत्तर नहीं मिल जाता तब तक दूसरा प्रश्न नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल इतना अधैर्य हम लोग, इतना सहनशक्ति नहीं है कि थोड़ी सी एक प्रश्न करते हैं अगर उत्तर, उसका उत्तर दे रहे हैं बीच में दूसरा उत्तर भी शुरू हो जाता है, उनका प्रश्न का प्रश्न शुरू हो जाता है, उनका प्रश्नों का झाड़ लग जाता है, इतना प्रश्न करते हैं कि उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी अगर वैष्णव से हम अगर कोई प्रश्न करते हैं, कोई भी साधु से अगर हम प्रश्न करते हैं तो उनके पूरे उत्तर को सुन करके जब उनका उत्तर पूरा समाप्त हो जाए तब हमें दूसरा प्रश्न करना चाहिए, बीच में प्रश्न करने से प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि जब आपने प्रश्न किए हो तो उस प्रश्न का उत्तर मुझे पूरा देने दो। आमी वृद्ध अमार स्मरण शक्ति ह्रास ही अच्छे, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी जो यादाश्त शक्ति है वह क्षीण हो चुकी है, जहाँ मोने करिया लैया छी तहा भूलिया जावा, जो मन में मैं याद करके रखा हूँ वह मैं भूल जाऊँगा अगर दूसरा प्रश्न करोगे। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब एक प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं
बीच में अगर कोई उसका दूसरा प्रश्न कर दिया तो जो कंसंट्रेशन है वह कंसंट्रेशन भूल जाता है इंसान, फिर दूसरे प्रश्न के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसको दोबारा याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंसंट्रेशन इंसान का बना रहता है कि इस प्रश्न का उत्तर यह है, इसको मुझे पूरा देना है। बीच में अगर प्रश्नों का झाड़ लगा दिया तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर प्रश्न किए तो प्रश्न का उत्तर सुने, सुनने से ही हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, इसे सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं हरिदास बाबा जी महाशय, एक टू कोड़ा बाबा जी, हरिदास बाबा जी महाराज थोड़ा बहुत कड़े शब्द हैं, कड़े शब्द व्यवहार करते हैं। तिनी कहारो दोष देखना, वह किसी का दोष देखते नहीं है, किंतु अन्याय कथार कखनी एकटा उत्तर दिया थाकेन, तहा कथा सुनिया, तार कथा सुनिया सकले निस्तब्ध हैं। और अन्याय की बात जब कोई करेगा तो उसका उत्तर देते हैं वह, और उनकी बातों को सुनकर के लोग निस्तब्ध हो जाते हैं, कोई जवान खुलती नहीं है। हरिदास बाबा जी पुनराय प्रभु नित्यानंदेर बट तलाय प्रणाम करिया बोलिलेन। हरिदास बाबा जी बट जो बड़ गाछ है उसके नीचे, बड़ का वृक्ष है उसके नीचे प्रणाम किए, प्रणाम करके फिर दोबारा बोलना शुरू किए। मध्यम भक्त दिगिर भक्ति प्रेमा आकारे गाढ़ हैले तहारा अवश्य से उत्तम भक्त हैया थके। बता रहे जो मध्यम भक्त हैं वह भक्ति में प्रेम आकारे, प्रेम भक्ति के अंदर जो प्रेम आ जाती है, प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जब उसके उनके अंदर रागानुगा केवला भक्ति प्रेमा भक्ति जब उत्पन्न हो जाती है भक्ति करते करते, तब क्या होता है गाढ़ हो जाता है जब वह, तो लास्ट में वही उत्तम भक्त हो जाते हैं। उत्तम भक्त दिगे लक्षण भागवते यही रूप लिखित अच्छे, उत्तम भक्त के जो लक्षण हैं उसके विषय में इस प्रकार से वर्णन किया गया है भागवत में। सर्वभूते सुजह पश्येद भगवत भाव आत्मनः भूतानि भावत्यात्म अन्येष भागवत उत्तमः। एक सौ सात इसके उत्तर में बताते हैं, जिन्हें भागवत उत्तम तिन्हें सर्वभूते आत्मार आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दर्शन करें। जो उत्तम भक्त हैं उनका लक्षण के विषय में बता रहे हैं कि वो आत्मा के भी आत्मा, सारे जीवों के आत्मा के आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ही दर्शन करते हैं। आत्मा आत्मस्वरूप श्री कृष्ण समस्त भूत के देखते पान, और बता रहे हैं आत्मा आत्मस्वरूप जो श्री कृष्ण हैं उनको सारे भूतों में, सारे भूत मतलब जीव, सारे जीवों में वह दर्शन करते हैं। जिन्हें सर्वभूते भगवान संबंध जनित प्रेममय भाव एवं सर्व भूतिर संबंध जनित प्रेममय भाव भगवान ने उपलब्धि करें तिनी उत्तम वैष्णव। बता रहे जो सारे भूतों में, सारे जीवों में, सारे भूतों मतलब सारे जीवों में भगवान के संबंध से जनित प्रेममय भाव, सारे जीवों में भगवान का रूप है, सारे जीव में भगवान है, इस प्रकार से प्रेमय रूप से दर्शन करते हैं उनका यह भाव है एवं सर्वभूतिर संबंध जनित प्रेमय भाव भगवान उपलब्धि करें। और सर्वभूत सारे जीवों के संबंध जनित जो संबंध के अनुसार प्रेमय भाव
भगवान में उपलब्धि होती है, उपलब्धि करते हैं तिनी उत्तम वैष्णव। इस प्रकार से जो भगवान में प्रेम दर्शन करते हैं सारे जीवों का, और सारे जीवों का आत्मा जो भगवान है उनको उनको दर्शन करते हैं सारे जीवों में, वही उत्तम वैष्णव हैं। एक प्रेम वही और अन्न भाव उत्तम वैष्णव है ना, बोलते हैं एक प्रेम छोड़ करके और कोई भाव उत्तम वैष्णव के अंदर नहीं हो सकता, ताकि उसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति। वो प्रेमा भक्ति आने से वही भाव निश्चला भक्ति, दृढ़ भक्ति, चौला भक्ति है, उसी को रागानुगा भक्ति भी कहते हैं। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए पापड़ तो थोड़ा बहुत बेलना ही पड़ेगा। हमें पहली क्लास से, प्राइमरी क्लास से और पीएचडी तक, डॉक्टर डॉक्टर तक डिग्री, कोई भी डिग्री अगर हम प्राप्त करने जाते हैं तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने साल लग जाते हैं। तो सारे जीवों के आत्मा भगवान, पूरे ब्रह्मांड के आत्मा भगवान, उनको अगर प्राप्त करना है, उनका दर्शन करना है, उनके पास जाना है, तो हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। जितने जन्मों से हम लोग, कितने जन्मों से हम लोग पापड़ बेलते आए हुए हैं, इस जन्म में मनुष्य जन्म पाए हुए हैं, मनुष्य जन्म पा करके भी हम लोग अगर थोड़ा बहुत कर्तव्य अपना नहीं करेंगे, भगवान को पाने का उपाय नहीं सोचेंगे, तो फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, मरण जननी जठरे सैनम, मंद नहीं होगा, चलता रहेगा, बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु चलता रहेगा, बंद नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम अगर भगवत प्राप्ति, भगवान के चरण अभय चरण प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और कोई मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। संसार की, इस ब्रह्मांड की चीजों को प्राप्त करना मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। अर्थ का मतलब होता है पुरुषार्थ, पुरुष का मत, पुरुष जिस अर्थ को प्राप्त करना चाहता है वह अर्थ है भगवान का अभय चरण। अभय चरण अगर प्राप्त हो गया तो फिर हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ध्रुव महाराज ने क्या बोला कि मैंने आया था आपके पास कांच पाने के लिए और मैं हीरा पा गया, अब मुझे कांच की जरूरत नहीं है। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो संसार की प्राप्ति करने की प्राप्ति में क्या बाकी रह जाएगा, कुछ कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। भगवान के पाने के बाद भी ध्रुव महाराज जिस कामना को लेकर के तपस्या किए थे, भजन किए थे, भगवान ने उस कामना को पूर्ति भी किए और अपना अभय चरण प्राप्ति भी कराए। आज जो हम लोग ध्रुव तारा दर्शन करते हैं, और ध्रुव तारा नहीं है, ध्रुव वैकुंठ है, और नाश होने वाला वैकुंठ नहीं है। ध्रुव को भगवान ने एक वैकुंठ दे दिया, इसको बोलते हैं ध्रुव वैकुंठ, जिसके चारों तरफ जो सप्तऋषि नवग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। सोचो, हम नवग्रह उपासना करते हैं, शनिदेव की उपासना करते हैं, दुनिया की उपासना करते हैं, और वो लोग भक्त का उपासना करते हैं, भक्त की परिक्रमा करते हैं। तो भक्त बनना श्रेष्ठ है, ना कि मनुष्य बन करके संसार का कामना वासना प्राप्त करना श्रेष्ठ है। इसलिए भक्त बन करके
हमारी जो पुरुषार्थ है उसी को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। उसके लिए प्राप्त करने के लिए शुद्ध वैष्णवों के पास जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ हमें सुन मन जानने को नहीं मिलेगा, और जानने से भी कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें खुद करना पड़ेगा। हमने किताब रख दिया ला करके घर पर पढ़ने के लिए, सब कुछ कर दिया, स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे, टीचर के पास जाएगा नहीं, तो बच्चा पढ़ेगा क्या, शिक्षा लेगा क्या, सिस्टम उस क्या जानेगा, वो डिग्री क्या प्राप्त कर सकता है। तो जिस प्रकार से संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति करने के लिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके चरण आश्रम में आश्रय में मुझे जाना पड़ेगा, उनकी ज्ञान अर्जन उनका उनसे ज्ञान लेकर के उस अनुसार हमें कर्म करके फिर भगवत प्राप्ति के रास्ते पर हम चल सकते हैं। नहीं तो और कोई ऊपर दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके वो बृहद नारदीय पुराण में वेदव्यास जी ने बोल दिए हैं। कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा, कोई गति और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, एकमात्र जो शुद्ध वैष्णव महाजन लोग हैं उनकी चरणों में आश्रय लेना ही जीव का मुख्य कर्तव्य है। इसलिए बता रहे हैं संबंध जनित अन्यान्न भाव समय समय तहा उत्थित है समस्ते तहाते प्रेमेर विकार, और समय समय पर जो संबंध जनित विकार है भाव है वह उनके अंदर उत्पत्ति होते रहता है, और वह सारे समस्त जो है वह प्रेम का विकार होता है, जो अष्ट सत्य विकार वह उत्पन्न होते रहते हैं। देखो सुखदेव उत्तम भागवत हयाऊ कंस संबंधी भोज पांसुलित्ता दो से न्याय जे सकल वाक्य बलिया छन से समस्ते प्रेमेर विकार, जो बोले कि सुखदेव गोस्वामी भागवत में उत्तम भागवत हैं और होकर के भी कंस संबंध में जो भोज वंश की बात बताए हैं वह दोष न्याय से सकल वाक्य बोले छन, दोष की तरह सारा बात बताए वहां पर से समस्ते प्रेमेर विकार, वो सारा ही प्रेम का विकार है। ताहु वस्तुतः प्रेम अर्थात प्रकृति द्वेष न, वह भी प्रेम है अर्थात जो प्रकृति का प्रकृति द्वेष नहीं है, एक प्राकृतिक दोष जो जड़ी दोष बोलते हैं और यह प्रकृति द्वेष नहीं है। ए रूप शुद्ध प्रेमेर ई जखन भक्त जीवन है तखन ताहाके भागवत उत्तम बोला जाए। इस प्रकार से बता रहे हैं शुद्ध प्रेम प्रेम ही जब भक्त के जीवन में जीवन हो जाता है तब उसका उस तब उसको भागवत उत्तम बोला जाता है। यही अवस्था है आर प्रेम मैत्री कृपा व उपेक्षा रूप व्यवहार तारतम्य थकेना, जब इस अवस्था में भागवत उत्तम अवस्था में जब पहुंच जाता है इंसान तो उसमें प्रेम मैत्री कृपा और लोगों के साथ उपेक्षा ये सब जो तारतम्य जो व्यवहार है यह सब उनके साथ नहीं रह जाता, सिर्फ वह मध्यम वैष्णवों के अंदर होता है ये चार चीज, लेकिन जो उत्तम वैष्णव हो जाते हैं उनके अंदर कुछ भी भाव नहीं रह जाता। सकली प्रेमाकार है या पड़े सारा का सारा ही प्रेम आकार रूप धारण कर लेता है। तहा निकट उत्तम मध्यम व कनिष्ठ वैष्णव भेदे व वैष्णव अवैष्णव भेद नहीं, ऐसे उत्तम जो वैष्णव हैं उनके निकट उत्तम मध्यम या कनिष्ठ वैष्णव भेद या वैष्णव अवैष्णव भेद नहीं है। ये अवस्था विरल, यह जो अवस्था है वो बहुत ही विरल है, ऐसी उत्तम वैष्णव पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव जो उस अवस्था में पहुंचे हुए वैष्णव हैं वही
उन्हीं को ही शुद्ध वैष्णव बोला जाता है, हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति को वैष्णव शुद्ध वैष्णव नहीं बोला जाता। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानने से हम बहुत ही अनर्थ कर बैठते हैं, वैष्णव के चरणों में बहुत ही दोष कर बैठते हैं, जिस कारण हम अपराधी बन जाते हैं। वंशा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु वियुच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट न पठा के पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल जो हमारा है मंदिर के नाम से उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने बंधु बांधव को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम भगवान की आरती और भगवान की चर्चा सब सुनने का मौका मिल सकता है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना, अवश्य शेयर करें, लोगों को बतावें और सब्सक्राइब करावें। हरे कृष्णा।